वेलकम बैक टू योर चैनल के पॉप टीवी। स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। तो अगर आप एक BTS आर्मी हो, के पॉप लवर हो, के ड्रामा लवर हो, तो आपको ये बात पता ही होगी कि आपके फेवरेट के पॉप आइडल्स BTS फिलहाल मिलिट्री में हैं। और वो मिलिट्री में क्यों गए हैं? क्योंकि साउथ कोरिया में हर एक 18 से लेकर 30 साल के फिट मेल को कोरियन मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती है, क्योंकि कोरिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है। तो अपनी कंट्री की रक्षा करने के लिए सिटीजन्स को ही मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि बुरे वक्त पर वो अपनी अपनी फैमिली और अपने देश की रक्षा कर सकें। और आजकल कोरिया में कुछ ऐसी ही भयानक सिचुएशन बनी हुई है, जब से साउथ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन कहे जाने वाला नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर एक के बाद एक अटैक करना स्टार्ट किया है और वहाँ वॉर जैसे हालात बन चुके हैं। बॉर्डर्स पर दोनों देशों के बीच काफी टेंशन का माहौल है। हर दिन कोई ना कोई बॉर्डर डिस्प्यूट की खबर आती रहती है। और कल एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के समंदर में पड़ने वाले आइलैंड पर मिसाइल फायर की, जिसके बाद से वॉर के हालात और दोनों देशों के बीच टेंशन और बढ़ गई है। और इधर बहुत सारी BTS आर्मी, बहुत सारे कोरियन परिवार घबरा गए हैं कि क्या अगर वॉर हुई तो उनकी ट्रेनीज को, BTS मेंबर्स को इस वॉर में जाना पड़ेगा। यार देखो, मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि वॉर होना इतना आसान नहीं है। साउथ कोरिया को अमेरिका और बड़े बड़े देशों का सपोर्ट है, तो रातों रात वॉर डिक्लेयर नहीं की जा सकती। ये बॉर्डर डिस्प्यूट आज से नहीं बल्कि पिछले कई डिकेड से चलता आ रहा है। तो अगर आपके मन में आ रहा है कि क्या आपके फेवरेट के पॉप आइडल्स BTS को बॉर्डर पर जाकर लड़ाई लड़नी होगी, उन्हें वहां तैनात किया जाएगा, तो आर्मी ऐसा नहीं है। अभी ये सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड है। तो वहां जो ऑलरेडी सोल्जर्स हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग के बाद मिलिट्री ज्वाइन की है, उन्हीं को तैनात किया जाता है। लेकिन अगर वॉर जैसी सिचुएशन हुई, तो मैं आपको बता चुका हूँ इसी वक्त के लिए सभी सिटीजन्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे में BTS हर कोरियन सेलिब्रिटी और हर कोरियन सिटीजन बराबर होगा। बट ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि ऐसी सिचुएशन आए और जल्दी इस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन निकले। बाकी जिस आइलैंड पर ये अटैक हुआ है, वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया गया। इसके अलावा नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन ने ये स्टेटमेंट भी दिया कि हम वॉर के लिए तैयार हैं, अपने सोल्जर्स को उन्होंने इशारा कर दिया है। और साउथ कोरिया ने भी अपनी अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। और रही बात जिमिन और जंगकुक की, तो हाँ, वो बॉर्डर के पास इंचियन डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी वो ट्रेनीज हैं, उनकी बेसिक ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई है, तो उन्हें बॉर्डर पर पोस्ट नहीं किया जा सकता। बट उम्मीद है कि जल्दी ही इन सारी चीजों का सॉल्यूशन निकलेगा और वॉर जैसे हालात कभी ना आए, क्योंकि इन सिचुएशन में सफर सिर्फ आम लोग करते हैं, आम सिटीजन करते हैं।